ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितामृत से। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आदि लीला और इसके अध्याय 6 चैप्टर ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य के बारे में इसमें वर्णन किया जा रहा है। तो ये जो 14-15 नंबर श्लोक है जिसमें माया के द्वारा कैसे भगवान सृष्टि करते हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। माया के दो स्वरूप निमित्त उपादान, माया ये द्वयंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान। पुरुष ईश्वर ऐसे द्विमूर्ति हैया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। तो ये दो स्वरूप में होकर के माया जो है सृष्टि करती है। भगवान भी अपने आप को एक महाविष्णु और जिनको कारुण्यदक्षाय विष्णु बोलते हैं और अपने एक दूसरे स्वरूप अद्वैत आचार्य के रूप में वो प्रधान जो है जिससे भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है और फिर सृष्टि की जाती है, तो उस दूसरे स्वरूप में ये कार्य करते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ तक जो भौतिक वैज्ञानिक हैं या नास्तिक दार्शनिक हैं तो उनका जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल अलग है, और जो वैष्णव दार्शनिक हैं वेदांतिस्ट हैं असली वेदांतिस्ट उनका निष्कर्ष जो है वो वास्तविक निष्कर्ष है। The great Vaishnava philosopher Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa has very nicely explained the materialistic conclusion in his Govinda Bhasha, a commentary on the Vedanta Sutra. He writes as follows. अगर आपको याद होगा तो हमने चर्चा किया था कि महान वैष्णव दार्शनिक हुए श्रीला बलदेव विद्याभूषण, जिनको चैलेंज किया गया था कि वेदांत सूत्रों में आप गौड़ी वैष्णवों का तो कोई व्याख्या है नहीं, तात्पर्य नहीं है, तो आप इसलिए प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उसी संप्रदाय को प्रमाणिक मानते हैं माना जाता है जिनका वेदांत सूत्र जो कि अल्टीमेट जो है रचना है वेद व्यास जी की, उसका कुछ उनके पास व्याख्या होना चाहिए किसी महान आचार्य के द्वारा, तब उसको प्रॉपर संप्रदाय माना जाता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अलग से वेदांत सूत्रों में व्याख्या प्रदान नहीं किए और ना ही इनकरेज किए वो व्याख्या के लिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार जो श्रीमद भागवतम ग्रंथ है वही वेदांत सूत्रों का व्याख्या है। भाष्य स्वयं ब्रह्म सूत्र है जिसके ओरिजिनल ऑथर वेदांत सूत्रों के की रचना करने वाले जो ऑथर हैं वेद व्यास जी, उन्होंने खुद उन वेदांत सूत्रों के ऊपर जो है व्याख्या दिया, टीका दिया है, तात्पर्य दिए हैं, उसको बोलते हैं श्रीमद भागवतम, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कालांतर में जब इस प्रकार से चैलेंज किया गया अन्य वैष्णव संप्रदाय के द्वारा, तो फिर उसी भागवतम को ही प्रकट किया गया गोविंद भाष्य। भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी खुद इस भाष्य को प्रस्तुत देते हैं बलदेव विद्याभूषण के माध्यम से, तो उसमें बलदेव विद्याभूषण ये स्पष्ट वर्णन करते हैं। द सांख्य फिलोसोफर कपिला हैज कनेक्टेड द थ्री एलिमेंट्री ट्रूथ्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन ओपिनियन। Material nature, according to him, consists of the equilibrium of the three material qualities: goodness, passion, and ignorance. Material nature produces the material energy, known as mahat, and mahat produces the false ego. The ego produces the five objects of sense perception, which produce the 10 senses, 5 for acquiring knowledge and 5 for working, the mind and the 5 gross elements. Counting the purusha or the enjoyer, with these 24 elements, there are 25 different truths. The non-manifested stage of these 25 elementary truths is called Prakriti or material nature. The qualities of material nature can associate in three different stages, namely as the cause of happiness, the cause of distress, and the cause of illusion. The quality of goodness is the cause of material happiness, the quality of passion is the cause of material distress, and the quality of ignorance is the cause of illusion. Our material experience lies within the boundaries of these three manifestations of happiness, distress, and illusion. For example, a beautiful woman is certainly a cause of material happiness for one who possesses her as a wife, but the same beautiful woman is a cause of distress to a man whom she rejects or who is the cause of her anger. And if she leaves a man, she becomes a cause of illusion. Prabhupada ji अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। तो गोविंद भाष्य में ये सृष्टि लीला के बारे में, ये भौतिक जगत है क्या, इसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है कि इस भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिसको भौतिक वैज्ञानिक लोग बहुत ज्यादा मायने रखते हैं उनके लिए, इसलिए उनको एम्पेरिकल फिलोसोफर बोला जाता है। एम्पेरिकल, ये प्रोपर जे शब्द यूज करते हैं, एम्पेरिकल फिलोसोफर। एम्पेरिकल फिलोसोफर्स का मतलब होता है कि एम्पेरिकल मतलब कि जो अपने एक्सपीरियंस पे निर्भर करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ फिलोसफी या दर्शन को प्रस्तुत करते हैं, उनको एम्पेरिकल फिलोसोफर बोलते हैं। तो भौतिक वैज्ञानिक इस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको एम्पेरिसिस्ट भी बोला जाता है। अब इसका हिंदी क्या अर्थ है मुझे पता नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं एम्पेरिकल फिलोसोफर को चेक कर लेते हैं। एम्पेरिकल का मतलब तो लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। एम्पेरिकल का मतलब है कि अपने बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट ऑन आइडियाज, एम्पेरिकल का मतलब होता है। तो इसका एग्जैक्ट हिंदी तो पता नहीं क्या है, यहाँ पे तो केवल ट्रांसलेशन दे रहा है। एनीवे, तो आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो भौतिक वैज्ञानिक आज के समय के जो हैं, जो शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते हैं या भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, उनका एक कारण यही है कि एम्पेरिकल अप्रामाणिक नहीं है। अप्रामाणिक तो नॉन ऑथराइज है, नॉन बोनाफाइड है। हाँ, प्रतिज्ञा माता जी ने सही लिखा है, प्रयोगात्मक बोल सकते हैं कुछ हद तक। ये प्रयोगात्मक शब्द सही प्रतीत होता है, बट ये भी एग्जैक्ट नहीं है। एम्पेरिकल का मतलब है प्रयोगात्मक, तो फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी होता है, प्रयोग करते हैं, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो वो तो एम्पेरिकल स्पेशली भौतिक मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में कि भौतिक तरीके से, यानी भौतिक इंद्रियां हैं हमारे पास, मन है, बुद्धि है, तो जो ऐसा सत्य है जो इन भौतिक इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को एक्सपीरियंस हो सके, अनुभव हो सके, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल। एम्पेरिकल फिलॉसफी इस बेसिस पे, तो जो आधुनिक जो विज्ञान है वो एम्पेरिकल फिलॉसफी पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये मैं इसलिए बताया, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो लोग केवल एम्पेरिसिस्ट होते हैं तो वो कभी भी असली सत्य को नहीं समझ सकते, असली सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में होने के कारण, ये भौतिक जगत में जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो इस तीन गुणों के ट्रांसफॉर्मेशन, तीन गुणों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। और यहाँ पे बड़ा ही अच्छे से सिस्टमेटिकली विश्लेषण करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सांख्य फिलोसफी में कपिल देव इसका वर्णन करते हैं कि हमने ऑलरेडी चर्चा किया है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि 24 तत्व हैं, किस प्रकार से 24 भौतिक तत्व हैं। तो मटेरियल नेचर यानी भौतिक प्रकृति अव्यक्त फॉर्म में जब होती है तो उसको भौतिक प्रकृति के नाम से जाना जाता है। जब वही भौतिक प्रकृति ये 24 तत्वों के रूप में प्रकट हो जाती है तो इसको भौतिक मटेरियल नेचर से मटेरियल एनर्जी बोल दिया जाता है, या उसको उसी को महत्व बोला जाता है। महत्व शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, मटेरियल एनर्जी यानी बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति, भौतिक प्रकृति, भगवान की भौतिक प्रकृति जो अव्यक्त रूप में होती है, जिसको प्रधान बोला जाता है, वो जब महत के रूप में यानी 24 तत्वों में विभाजित हो जाती है, 24 तत्वों में अपने आप को प्रकट कर लेती है, तो उसको बहिरंगा शक्ति के नाम से जाना जाता है या महत के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो सबसे एक एलिमेंट है फॉल्स ईगो, उसके द्वारा फिर और ये सब एक्सपीरियंसेस, ये सारे तत्व बनते हैं। मुख्य एलिमेंट, मुख्य तत्व उसका फॉल्स ईगो है, यानी मिथ्या अहंकार। ये मिथ्या अहंकार तीन गुणों से जब इंटरेक्शन करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के साथ जब इसका इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, यानी आदान प्रदान होता है, तब अलग अलग तत्व बनते हैं। जब सतोगुण से इंटरेक्शन होता है तो सूक्ष्म तत्व मन उत्पन्न होता है, और जब रजोगुण से इंटरेक्शन होता है तो बुद्धि उत्पन्न होती है, और जब तमोगुण से इंटरेक्शन होता है तो ये जो पंच महाभूत हैं वो उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेलिंग, ये सारे जो तत्व हैं प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 24 तत्व हो जाते हैं। और 25वें के रूप में तो आत्मा होता है। अब आत्मा और परमात्मा दो हो जाते हैं, इसलिए कुछ लोग 26 भी बोल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल 25 बोलते हैं, इस हिसाब से कि आत्मा एक तत्व है जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों आ गए, तो इसलिए उसको एक तत्व के रूप में गणना करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिवली वन होता है। लेकिन फिर कुछ लोग उसको 26 तत्व फिर इस प्रकार से बोल देते हैं। तो 25 तत्व इस प्रकार से होते हैं। तो इन 24 भौतिक तत्वों के अंदर इंटरेक्शन करने वाला व्यक्ति जो है केवल ये तीन ही स्टेजेस के एक्सपीरियंस को प्राप्त करता है, तीन प्रकार के अनुभव को प्राप्त करता है, जिसको बोलते हैं भौतिक सुख, भौतिक दुख और भौतिक रूप से भ्रम। ये भ्रम उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दिए हैं अ ब्यूटीफुल वुमेन का, इसलिए वही उदाहरण मैं समझाऊंगा। तो प्रभुपाद जी दिए, जैसे एक सुंदर स्त्री होती है, तो वो सुंदर स्त्री को जो पत्नी के रूप में प्राप्त करता है तो उसके लिए वो भौतिक सुख के एक्सपीरियंस को देती है, और वही सुंदर स्त्री अगर किसी को रिजेक्ट कर दिया है तो वो उसके लिए भौतिक दुख का कारण बन जाती है। लेकिन वही सुंदर स्त्री जब किसी व्यक्ति को छोड़ के चली जाती है तो भौतिक रूप से भ्रम को उत्पन्न कर देता है। तो ये तीन स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे स्त्री का उदाहरण दिए। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु है संसार का, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी परिस्थिति है, ये तीनों केसेस में ये तीन ही अनुभव को कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मटेरियल हैप्पीनेस, मटेरियल डिस्ट्रेस एंड मटेरियल इल्यूजन। लेकिन सत्य जो है इन तीनों के परे है। तो जो व्यक्ति एम्पिरिकल फिलोसोफर होते हैं, भौतिक रूप से दार्शनिक होते हैं, तो वो इन तीन अनुभव के अनुसार ही सत्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है, इन तीनों के परे होता है। कोई भी संसार का वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमको एक्सपीरियंस ये तीन ही चीज का दे सकता है, लेकिन सत्य इसके बियॉन्ड है, क्योंकि वो कोई भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति है उसका कृष्ण के साथ कुछ संबंध है, वो कृष्ण की शक्ति। ये वैष्णव फिलोसफी के अकॉर्डिंग, वेदांत फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये सत्य होता है, जिसमें पहला ही सूत्र है जन्मादि यशयता, शुरू के ही सूत्र में आता है जन्मादि यशयता। इस दूसरा उदाहरण है कि कोई फूल है, सुंदर फूल है, तो सुंदर फूल गुलाब का फूल है, तो अलग अलग व्यक्ति के लिए वो अलग अलग अनुभव के अनुसार अनुभव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है, अलग अलग प्रकार का उसको अनुभव प्रदान करेगा एक ही वस्तु। लेकिन सत्य जो है उस तीनों हर प्रकार के एक्सपीरियंस के परे है। जैसे कोई बकरी है, तो उसके लिए वो जो गुलाब का फूल है वो उसको ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस देगा। उस गुलाब के फूल को देख करके हो सकता है उसकी भूख बढ़ जाए और वो जाके उसको खाएगी, और इससे उसको जो है संतुष्टि मिल जाएगा कि भूख मेरी खत्म हो रही है। वही गुलाब का फूल जो है अगर कोई नवयुवक लड़का देखता है तो उसको लगेगा ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। वही गुलाब का फूल अगर कोई जो गार्लैंड बनाने वाला व्यापारी है तो उसको पैसे के रूप में देखिएगा कि हाँ इससे मेरे को पैसे। तो वो गुलाब का फूल वो व्यापारी के लिए एक धन हो गया, और एक बकरी के लिए वो ब्रेकफास्ट हो गया, खाना हो गया, और एक नवयुवक लड़के के लिए वो क्या हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का एक गिफ्ट हो गया। ऐसा देखें, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के। तो ये भौतिक एक्सपीरियंस जो है के अनुसार, भौतिक अनुभव के अनुसार वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सत्य है उसके बारे में वो परिवर्तित होता रहता है। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है, जो वैष्णव भक्त अगर वहां से गुजरता है तो वो जब उस फूल को देखता है तो अप्रिशिएट करता है, वाह ये मेरे भगवान की सृष्टि का कितना सुंदर फूल है, और भगवान को ये मुझे अर्पण करना चाहिए। तो वो उसको लेके जाता है, भगवान को अर्पण करता है। तो बाहरी दृष्टिकोण से कोई बोल सकता है कि वैष्णव भी तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ सत्य बता रहा है, तो ये सत्य है ये कैसे मान ले। क्योंकि ये भौतिक रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के परे है। तो वास्तविकता इसी प्रकार से हर ऑब्जेक्ट, जितने भी वस्तुएं इस संसार में, जितने भी व्यक्ति हैं, तो जो शुद्ध वैष्णव की बात कर रहे हैं, तो जो वैष्णव फिलॉसफी, शुद्ध वैष्णव के दृष्टिकोण से उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति या इस संसार को देखता है, तो वो वास्तविक सत्य होता है। क्योंकि वैष्णव देख पाते हैं कि इसका रिलेशन कृष्ण के साथ है, ये कृष्ण की शक्ति है, इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये वास्तविकता है। और इसके अलावा जो भी विचारधारा है, जो भी कॉन्सेप्शन लोग किसी भी कॉन्सेप्शन से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को देखते हैं, तो वो केवल और केवल क्या है, वो टेम्परेरी होता है, इल्यूजरी होता है। और वो जब तक इस भौतिक जगत में ये तत्व के रूप में प्रकट है तब तक ही वो बस रहता है, अन्यथा वो सत्य नहीं होता है। इस प्रकार से ये यहाँ पे चर्चा की जा रही है। इस चीज की चर्चा और विस्तार से जब थर्ड कैंटो भागवतम तीसरे स्कंद में कपिल देव जी और विस्तार से इसके बारे में करते हैं। The two kinds of senses are the 10 external senses and the one internal sense, the mind. Thus, there are 11 senses. According to Kapila, material nature is eternal and all-powerful. Originally, there is no spirit and matter has no cause. Matter itself is the chief cause of everything. It is the all-pervading cause of all causes. The Sankhya philosophy regards the total energy, mat, tattva, the false ego, and the 5 objects of sense perception as the 7 diverse manifestations of material nature, which has 2 features known as the material cause and efficient cause. The Purusa, the enjoyer, is without transformation, whereas material nature is always subject to transformation. But although material nature is inert, it is the cause of enjoyment, salvation for many living creatures. Its activities are beyond the conception of sense perception, but still one may guess at them by superior intelligence. एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये एक लाइन बड़ा डीप है और उतना हम डिटेल में जाएंगे तो कई भक्त लोग बोर भी हो जाएंगे और समझने में भी डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए मैं पढ़ के बस इसका सार आपको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ये सब्जेक्ट मैटर जब भागवतम में स्पेशली थर्ड कैंटो, सेकेंड कैंटो में पहुँचेंगे तो उसमें विस्तार से इसका चर्चा किया जाएगा, तो वहाँ पे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इतना डीप है कि इसको इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति, कल मैं बता रहा था जैसे कि ब्रह्मा जी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस प्रकार से सृष्टि हुई है, बट हम इसको जितना हमारे आचार्यों ने दिया है तो उतना हम पढ़ के समझ के ये प्रयास करते हैं। हमारे वैष्णवाचार्यों ने इसको इस प्रकार से समझाया है कि उसका कनेक्शन जो है कि कृष्ण से बना रहे, अन्यथा ऐसे अनेकों बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं जिसमें से कपिल, एक नास्तिक कपिल भी हुए हैं जो कि जिन्होंने भी सांख्य दर्शन दिया है, तो उन्होंने भगवान का एलिमेंट वहां से हटा दिया। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि कोई भगवान है, कोई स्पिरिट सोल है, कोई ब्रह्म वस्तु है जो इस भौतिक जगत को क्रिएट करते हैं। जैसे आज के भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं, केवल भौतिक तत्वों के ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करते हैं। लेकिन वैष्णव फिलॉसफी में, वेदांत सूत्रों की जो एक्चुअल फिलॉसफी है, उसके अकॉर्डिंग ये निश्चित रूप में पता चलता है कि भगवान ही स्रोत है ये सभी के, और वो जो भगवान है, परम ब्रह्म है, वो हमेशा अनचेंजेबल, परिवर्तित नहीं होते कभी। और जो सृष्टि है इसमें जो है लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसी को परिणामवाद बोला जाता है। लेकिन शंकराचार्य जो है इसको स्वीकार नहीं कर पाते, वो बोलते हैं कि ब्रह्म में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, तो इसलिए विवर्तवाद की धारणा होती है जो कि वेद व्यास जी की फिलॉसफी के अगेंस्ट में। Material nature is one, but because of the interaction of the 3 qualities, it can produce the total energy and the wonderful cosmic manifestation. Originally भौतिक प्रकृति एक होती है, लेकिन 3 गुणों से बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं और इतना डाइवर्स, इतने सारे वंडरफुल, इतने सारे विविध प्रकार के भौतिक जगत प्रकट होता है हमारे सामने। जैसे गाय से दूध प्राप्त होता है, तो दूध एक है, लेकिन उसमें फिर अलग अलग प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करके उस एक ही दूध से हजारों प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं कि भगवान की एक ही भौतिक प्रकृति है जिसमें फिर 3 गुणों के और फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार के इंटरेक्शन से ये पूरा जगत इस रूप में दिखता है जिस रूप में है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ओरिजिनली क्या है, ये भगवान की भौतिक शक्ति है। जिस प्रकार से दूध के अलग अलग व्यंजन दिख सकते हैं और कुछ व्यंजन खट्टे बनते हैं, कुछ मीठे बनते हैं, इस प्रकार से अलग अलग बनते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, जो जानते हैं, तत्व को, तो जानते हैं कि ये सब दूध ही है, दूध से ही बना हुआ है. Such transformations divide material nature into two features, namely the efficient and material causes. The Purusha, the enjoyer, is inactive and without material qualities, although at the same time he is the master, existing separately in each and every body as the emblem of knowledge. By understanding the material cause, one can guess that the Purusha, the enjoyer, being without activity, is aloof from all kinds of enjoyment or superintendence. तो भगवान, ये भौतिक प्रकृति इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग विविधताएं प्रकट होती हैं, लेकिन जो पुरुष है यानी भगवान, जिनसे ये प्रकट होता है, जिन पे ये निर्भर है, वो उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, वो एज इट इज उदासीन उपस्थित रहते हैं भौतिक संदर्भ में, इसलिए उनको इनएक्टिव बोला गया है कई जगह पे और निर्गुण बोला गया है. तो जब भगवान को निर्गुण या इनएक्टिव बोला गया है, इनर्ट बोला गया है, तो इसका अर्थ ये है कि भौतिक रूप से उनमें कोई इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे वो इनर्ट नहीं है, वो एक्टिव है और उनके क्वालिटीज हैं, गुण हैं, जो कि ट्रांसेंडेंटल हैं, दिव्य हैं. Sankhya philosophy, after describing the nature of Prakriti, that is material nature, and Purusha, the enjoyer, asserts that the creation is only a product of their unification or proximity to one another. With such unification, the living symptoms are visible in material nature, and but one can guess that in the person of the enjoyer, the Purusha, there are powers to control and enjoyment. When the Purusha is delusioned for want of sufficient knowledge, he feels himself to be the enjoyer, and when he is in full knowledge, he is liberated. In Sankhya philosophy, the Purusha is described to be always indifferent to the activities of Prakriti. The Sankhya philosophy, प्रकृति, भौतिक प्रकृति के बारे में बताने के बाद, यानी 24 तत्वों को इस प्रकार से वर्णन है, और फिर उसके बाद जो 25वां तत्व है पुरुष यानी आत्मा, आत्मा को भी कई बार पुरुष बोला गया है. उसका कारण है कि आत्मा अपने आप को पुरुष समझता है, एंजॉयर समझता है. असली एंजॉयर, असली पुरुष तो भगवान है, लेकिन इस भौतिक संसार में जब कोई बद्ध जीवात्मा आता है तो अपने आप को एंजॉयर समझता है, ऐसा मिथ्या अहंकार होता है. इसलिए शास्त्रों में कई जगह पुरुषा बोला गया है. गीता में भी भगवान एक जगह पे जीवात्मा को प्रभु करके संबोधित करते हैं, प्रभु, मास्टर, मास्टर, क्योंकि बद्ध जीवात्मा जो है अपने आप को मास्टर समझते हैं और कंट्रोल करते हैं भौतिक, यानी जीवात्माओं की उपस्थिति के कारण ये भौतिक प्रकृति जो है ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, यानी चलती है और उसको व्यक्ति कंट्रोल करता है. जैसे आज के वैज्ञानिक है, मनुष्य है, ये भौतिक प्रकृति में को कंट्रोल करके बहुत सारी चीजें बना रहे हैं. तो ये क्यों है? क्योंकि भगवान में जो ओरिजिनल मूल स्वरूप में भगवान कंट्रोलर है, भोक्ता है, एंजॉयर है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है, वो क्वालिटी आंशिक रूप में, माइन्यूट, इन माइन्यूट क्वांटिटी, अंश रूप में जीवात्मा के अंदर होता है. तो वो भी इस क्वालिटी को एग्जिबिट करते हैं इस भौतिक संसार में. द सांख्य फिलोसोफर एक्सेप्ट्स थ्री काइंड्स ऑफ एविडेंसेस, नेमली डायरेक्ट परसेप्शन, हाइपोथेसिस एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी. व्हेन सच एविडेंस इज कंप्लीट, एवरीथिंग इज परफेक्ट. The process of comparison is within such perfection. Beyond such evidence, there is no proof. There is not much controversy regarding direct perceptual evidence or authorized traditional evidence. The Sankhya system of philosophy identifies three kinds of procedures, namely Parinamat, Samanvayat, and Saktitaha, as the causes of the cosmic manifestation. तो ये बहुत अलग ही चीज है. इसमें कैसे जो सांख्य फिलोसफी में सृष्टि किस प्रकार से कार्य करती है, तो उसके अलग अलग तीन प्रमाण से उसको वो समझाते हैं, परिणामात, समन्वयात एंड सक्तिता. इसके बारे में तो यहाँ पे उतना डिटेल नहीं है, बस ये वर्णन किया है. श्रील बलदेव विद्याभूषण इन हिज कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्र हैज ट्राइड टू नलीफाई दिस कंक्लूजन बिकॉज ही थिंक्स दैट डिसक्रेडिटिंग the so-called causes of the cosmic manifestation will nullify the entire Sankhya philosophy. Materialistic philosophers accept matter to be the material and efficient cause of creation. For them, matter is the cause of every type of manifestation. Generally, they give the example of water pot and clay. Clay is the cause of the water pot, but the clay can be found as both cause and effect. The water pot is the cause and clay itself is the cause, but clay is visible everywhere. A tree is matter, but a tree produces fruit. Water is matter, but water flows. In this way, say the Sankhya, its matter is the cause of movements and production. As such, matter can be considered the material and efficient cause of everything in the cosmic manifestation. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa has therefore enunciated the nature of Pradhan as follows. तो इस भौतिक संसार में जो कार्य हो रहा है, तो जो भौतिक वैज्ञानिक हैं और या नास्तिक सांख्य दर्शन प्रस्तुत करने वाले जो फिलोसोफर्स दार्शनिक हैं, तो भौतिक तत्वों को ही वो अन्य तत्वों को उत्पन्न करने का कॉज मान लेते हैं और इस प्रकार से जो अल्टीमेट कॉज है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आज का अगर विज्ञान आप पढ़ेंगे तो जितने भी प्रकार के घटनाएं होती हैं प्रकृति में, तो साइंटिस्ट लोग ये रिसर्च करके उसको अलग अलग नियम कानून और लॉज फार्मूला थ्योरी बना करके प्रूफ कर देते हैं कि ये घटना इस कारण से हो रही है, लेकिन वो केवल इफिशियंट कॉज यानी जो तुरंत जो कारण है भौतिक कारणों को ही जस्ट प्रकट करके वहीं पे साइंस को खत्म कर देते हैं। अल्टीमेट कॉज यानी मूल कारण कहाँ है वहां तक नहीं जाते हैं। तो ये इस प्रकार का मिस्टेक किया जाता है नास्तिक सांख्य दर्शन वालों के द्वारा और आज के भौतिक वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन बलदेव विद्याभूषण पर हम लोग ये चर्चा करेंगे। बलदेव विद्याभूषण प्रो इसको नलीफाई करते हैं, अल्टीमेट कॉज के ऊपर जोर दे करके। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग अवेंट करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बेनिफिट मिलता है उसको, ये बेनिफिट मिलता है, तो क्या ये प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है या उसके कर्म भी उस पे इम्पोर्टेंट? कर्म के अनुसार उसके ग्रह नक्षत्र डिसाइड होते हैं जो जन्म लेता है। ग्रह नक्षत्र के अनुसार गणना करने में आसानी होती है क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों को कोई देख तो नहीं सकता ना, किसी के पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तो नहीं है, तो इसलिए कर्म के अनुसार ऐसे जो भी उसका फल मिलना है तो उस ग्रह नक्षत्र में उसका जन्म होता है, तो इसके अनुसार जो ज्योतिष लोग हैं वो गणना कर सकते हैं कि इसके क्या कर्म रहे होंगे। उस बेसिस पे वो कर्म भी निर्धारित कर सकते हैं, उस बेसिस में वो उसका क्या परिणाम होगा वो भी निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार हमारा जीवन में सुख दुख मिल रहा है ये सोचना गलत है, ये कंप्लीट नहीं है। वास्तविकता क्या है कि पिछले कर्म के अनुसार हमको ऐसे ग्रह नक्षत्र में जन्म मिलता है, फिर उसके अनुसार ऐसा फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।